हर हर महादेव। शिवपुराण के इस सीरीज में आप सुनेंगे श्री रुद्र संहिता का तृतीय खंड। श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड को श्री पार्वती खंड भी कहा जाता है। श्री पार्वती खंड में कुल अध्यायों की संख्या 55 है। तो चलिए आरंभ करते हैं अध्याय संख्या 1 से। पहले अध्याय में वर्णन मिलता है हिमालय विवाह का। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय के पुत्री के रूप में जन्मी? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों में प्रसिद्ध है, पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वे देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह के स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। दूसरा अध्याय, पूर्व कथा। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियाँ हुई, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियाँ हुई। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थीं। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियाँ थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थीं। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था।
ये संपूर्ण जगत की वंदनीय है। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गईं। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्हें शिवजी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगे। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर सनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोली कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा शिरध्वज जनक देवी सीता के पूर्ण स्वरूप के कारण वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतीर्ण होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथायोग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करेंगे। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेंगे। यह कहकर मुनि सनक आदि वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गईं। तीसरा अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से
मैना के पूर्व जन्म की कथा कही, जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुँचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्रीहरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राजदरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्तिभाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने, हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देख मैं प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सह न सकीं और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। यह सारी कथा तो आप ही जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम सभी यह चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु जी की यह बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदरपूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगे। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा के शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिवप्रिया जगदम्बा हैं। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा है। आप ही नीति हैं और सामवेद की गीति हैं। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके
सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार तीसरे अध्याय के साथ इस एपिसोड को यही विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।